Hi guys, I am Ashok Kumar. I am going to teach you today supplementary book Moments of a Standard 9th. I will teach you the first chapter. The chapter is The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. गाइज, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर जाता है. फेयर का मतलब मेला होता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. वह बच्चा बहुत खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है और वह चाहता है मिठाइयाँ, खिलौने जो वहाँ डिस्प्लेड किया जा रहा है, शोन किया जा रहा है. But his parents don't buy them for him. लेकिन उसके parents बच्चों के लिए मिठाइयाँ नहीं खरीदते हैं. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि why then does he refuse? वह क्यों refuse कर जाता है जब कोई उसे कुछ ऑफर करता है. अब ये कहानी स्टार्ट होता है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये स्प्रिंग का फेस्टिवल है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिस इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. अब इसमें यह है कि नैरो लेंस है जिसमें बहुत सारे लोग गैली क्लैड का मतलब कलरफुल ड्रेस्ड में बहुत सारे लोग निकलते हैं. सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेज. कुछ लोग वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पर सवार हैं. अदर्स सैट. कुछ लोग बैठे हुए हैं. Being carried in bamboo and bullock carts. Bullock cart आप लोग देखे होंगे, बैलगाड़ी, उस पर भी लोग जाते हुए नजर आते हैं. One little boy ran between his father's legs. एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ अपने फादर के लेग से के बीच से. Brimming over with life and laughter. वो बहुत ही खुश होकर के. Brimming over का मतलब होता है full of. With life and laughter, पूरा खुश है, दौड़ता हुआ वो पार करता है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स बुलाते हैं बच्चे, आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. जैसा कि वो बच्चा पीछे छूट जाता है. लैग बिहाइंड का मतलब वॉज लेफ्ट बिहाइंड. फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड. वो बच्चा खिलौने को देख करके बहुत ही अट्रैक्ट हो गया है. इन द शॉप्स, वो खिलौने शॉप्स में है. दैट लाइंड द वे, जो रास्ते में बहुत सारा शॉप्स मिलता है. बच्चों की आदत आपको पता है कि बच्चा किसी भी चीज़ को देखने के बाद उसके प्रति बहुत ही उत्साहित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है. He hurried towards his parents. वह अपने parents की तरफ जल्दी से बढ़ता है. His feet obedient to their call. जब भी उसके parents call करते हैं. His eyes are still lingering. Lingering का मतलब hanging around. उसका आँख जो है इधर उधर rotate करता रहता है, घूमता रहता है, बहुत सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करता है. On the receding toys. Receding twice का मतलब होता है left behind. As he came to where they had stopped to wait for him, he would not suppress the desire of his heart. वो बच्चा अपने desire को suppress नहीं कर पाता है, वो overpower हो जाता है. Even though he well knew the old
अब उसको पता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर टॉयज, वो बहुत ही कोल्डली बच्चे को समझा देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि ये सामान नहीं खरीदना है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, बच्चा रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस खिलौने को खरीदना चाहता हूँ।